चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हर चैनल की अपडेट पाते रहें। हम अभी रानसा और धनानी के बीच में है, यहाँ निरंतर पानी बढ़ रहा है। 15 लोग तीन अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं। हमने अपने स्तर पे स्थानीय सरपंच की मदद से पहुँचने का प्रयास करें, लेकिन निरंतर पानी की आवक होने से वहाँ पहुँचने में अभी असफल है। बहाव बहुत तेज है, आप देख सकते हैं, बहुत विकट स्थिति है। पानी का बहाव इतना तेज है, लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम अभी रानसा और धनानी के बीच में है, यहाँ निरंतर पानी बढ़ रहा है। 15 लोग तीन अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं। हमने अपने स्तर पे स्थानीय सरपंच की मदद से पहुँचने का प्रयास करें, लेकिन निरंतर पानी की आवक होने से वहाँ पहुँचने में अभी असफल है। बहाव बहुत तेज है, आप देख सकते हैं, बहुत विकट स्थिति है। पानी का बहाव इतना तेज है, लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं पानी का स्तर निरंतर बढ़ रहा है, और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर एक वचनाराम कोड़ी का परिवार फंसा हुआ है। धानसा के समाज सेवी सरपंच हुकम सिंह राठौड़, पुलिस जाब्ता और स्थानीय लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु निरंतर पानी की आवक जारी होने से, बढ़ोतरी होने से पहुँचने में असफल रहे हैं। स्थिति बड़ी विकट है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पानी का बहाव निरंतर बढ़ रहा है, लोग यहाँ छः लोग पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं, और यहाँ से 200 मीटर दूर आप नजर आए तो एक नीला टेंट लगा हुआ है। कच्चे झोपड़े में परिवार रहता था, अभी पेड़ पे चढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ तक पहुँचा जाना संभव नहीं है।